हाय फ्रेंड, कैसे हो। आज हम आलू और बैंगन का रसेदार सब्जी बनाने का तरीका बताएंगे और सीक्रेट राज भी बता देंगे ताकि बैंगन का स्वाद दुगना हो जाएगा। आप इसे रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हो। हमने 1 केजी बैंगन ले ली है। इसमें मिक्स करने के लिए उबाले हुए आलू, बैंगन, एक बैंगन को 2 भाग बीच से कर लेना है, उसके बाद फिर 2 भाग कर लेना है और इसे आप लंबाई शेप में कट कर सकते हो। हमने सभी को लंबाई शेप में कट करके ले ली है। इसे पानी में डालकर धो लेते हैं। हमने सभी को धोकर ले ली है। इस मिक्स करने के लिए उबाली हुई आलू ले लिए हैं, इसे तोड़कर ले लेना है। मिक्स करने के लिए 2 प्याज, 4 हरी मिर्च और 5-6 लहसुन ले लेना है ताकि बैंगन का स्वाद दुगना लहसुन ही करता है। इसे सभी को कट करके ले ली है और हाई गरम कढ़ाई में 5 छोटे चम्मच सरसों का तेल हाई गरम कर ली है। अब उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता और कटी हुई प्याज, मिर्च और लहसुन को हमने डाल दी है। डाल करके पूरे सुनहरे होने तक इसे पका लेंगे ताकि हमें सब्जी में डालना है। हमने सुनहरे होने तक इसे पका ली है। अब बैंगन कट किया हुआ डाल देंगे। हमने सभी को डालकर मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे। हमने स्वाद अनुसार नमक 1 छोटी चम्मच डाल दी है। नमक के साथ इसे ढककर 5 मिनट लो फ्लेम पर इसे बैंगन को सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद हमने सॉफ्ट कर ली है। अब इसमें उबाली हुई आलू को ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, जीरा हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, जीरा मरीच के पाउडर भी धनिया पाउडर में ही मिक्स कर दिए थे। अब हम टमाटर को मिक्स कर देंगे। हमने टमाटर को डाल दी है। अब खुला ही आलू और बैंगन को सब्जी के 5 मिनट तक भूंजना है। टमाटर के साथ ही हमने भूंज ली है। अब 1/2 गिलास पानी ऐड करना है ताकि बैंगन पूरी अच्छी तरह पानी के साथ उबल कर सॉफ्ट हो जाए। हमने बैंगन को पानी के साथ अब ढककर इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेना है। बैंगन पूरी अच्छी तरह पानी के साथ सॉफ्ट हो गई है। अब बैंगन में हम धनिया के पत्ता को डाल देंगे। बैंगन की सब्जी पूरी अच्छी तरह से हो गई है। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हो। बैंगन बनाने का वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब से और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर।